Namaskar, hello everyone, this is me Pooja and you are with MotherWorld, the world where is your all access solution. Aaj hum baat karne wale hain use of sum if function ke bare mein. Sum if function, sum ka use aap jante hain, auto sum, kisi bhi cheez ka aapko sum nikalna ho, total nikalna ho, to hum log sum if function ka use karte hain. But yes, aaj jo hum janne wale hain wo sum if function के बारे में. sum if function, अब बात की जाए sum if function auto sum से different क्यों होता है. कई बार होता है जब आपका data set होता है उसमें जो पर्टिकुलर आइटम होते हैं, प्रोडक्ट्स होते हैं MotherWorld के, जैसे डेयरी के प्रोडक्ट्स हैं, तो मिल्क कई जगहों पे लाइक दिल्ली, कोलकाता, बैंगलोर, उनके सब वहाँ पर बहुत सारे जगहों पर वो मंथ वाइज इंक्रीज डिक्रीज होते हैं. इन शॉर्ट इसका मतलब ये है कि कई बार हमारे प्रोडक्ट्स आइटम जो कि रहते हैं वो काफ़ी बार रिपीट होते हैं. ऐसे समय में हम उनका सम कैसे निकालें, मतलब उनका टोटल कैसे निकालें, क्योंकि वो प्रोडक्ट या आइटम कई बार रिपीट हुए हैं और फिर एक एक सेल पर जाकर के उसका सम निकालना तो पॉसिबल नहीं है. सो इन्हीं सारी प्रॉब्लम्स को आपसे दूर करने के लिए सम फंक्शन का यूज़ होता है. यस, इसका प्रैक्टिकल वीडियो, आई एम वेरी सॉरी बिकॉज तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं है. आई एम वेरी आई थिंक सर के दो मीटिंग्स, मीटअप प्रोग्राम इस वजह से कैंसिल हो गए. बट येस, आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं जल्द से जल्द ठीक हो जाऊँ सो दैट मैं प्रैक्टिकल वीडियोज़ आपके सामने ला सकूँ. आई एम वेरी सॉरी अगर प्रैक्टिकल वीडियोज़ नहीं आ पा रहे. बट येस, संडे को मैंने सोचा है कि मोस्ट प्रोबेबली आपके लिए एक प्रैक्टिकल वीडियो मैं ज़रूर बना करके आपके सामने पब्लिश कर सकूँ. सो येस, हम जानेंगे कि किस तरीके से हम सम इफ फंक्शन का यूज़ करते हैं सो दैट हमारी जो क्राइटेरिया, आइटम्स, रेंज अगर कई बार रिपीट हुए हैं तो उन सारी दिक्कतों को बचने के लिए हम किस तरीके से इस फंक्शन का यूज़ कर सकते हैं. बहुत ही सिंपल सेंटेक्स है और मुझे लगता है आपको जान करके भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा होगा और आपके लिए हेल्पफुल भी बहुत होगा. सो दैट्स ऑल इन दिस वीडियो. बाय बाय, टेक केयर योर सेल्फ और होप सो ख्याल रखिए अपना, क्योंकि यस बहुत जल्द ठंडी जाने वाली है ऐसा मुझे लगता है. बट यस, ठंडी में तो अपना खास ख्याल रखना चाहिए.